तीन तलाक बिल को गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया और भारी विरोध के बाद भी बिल पास हो गया, जिसे अब राज्यसभा में भेजा जाएगा, जहां बिल पर बहस के पास होने की उम्मीद है। तीन तलाक बिल पर जब गोरखपुर न्यूज़ ने अपने दर्शकों को जानकारी देने के लिए मामवाड़ा स्टेट के मियां साहब अदनान फारूक शाह से बात की और उनकी राय को जानना चाहा, तो उन्होंने सरकार के इस फैसले को उचित ठहराते हुए इसे मुस्लिम समाज के एक उचित फैसला बताते हुए कहा, तीन तलाक पर सरकार ने बिल पेश किया है, इससे महिलाओं को उनके अधिकार का लाभ मिलेगा। अचानक उत्तेजना में आकर तीन तलाक बोलकर देने से जहाँ परिवार बिखर जाते थे, अब उन परिवारों को राहत मिलेगी। एक सवाल के जवाब में मियाँ साहब ने कहा कि पहले कोई भी व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित होकर मुकदमा दर्ज करा देता था, लेकिन पेश किए गए बिल में सिर्फ पीड़िता और उसके परिजनों द्वारा ही मुकदमा दर्ज कराने के नियम से आवैधानिक मुकदमों से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो समझौता का विकल्प दिया है वो भी काबिले तारीफ है। दूरभाष पर गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मियाँ साहब अदनान फारूक शाह ने कहा, तो इसमें थोड़ी सी एक्चुअली इस तरह से होता नहीं था। यहाँ पे तीन तलाक कहा तलाक हो गई या आपने फोन बताई क्या तलाक हो गई। तीन चार कहने का मतलब है कि एक बीच में एक पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, या वो मतलब तीन बार मौका मिले सोच लेगा, लेकिन वो इस तरह से हो नहीं रहा था। आपने सीधे सीधे कह दिया तलाक 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 हो गई, वो गलत था। तो उस तरह की कंडीशन में सीधी नहीं अगर सरकार ने कुछ उससे किया है ठीक है, मतलब वो करे और ये तो होना चाहिए कि मतलब भाई सबको मौका मिलना चाहिए सोचने का भी। वो तो बात हो कही कि किसी ने तलाक देना कोशिश की थी, लेकिन एक बार उससे कहा भी तो उसे तलाक नहीं होनी जानी चाहिए, उसे मौका मिलना चाहिए आपके पार्टी को भी। और वो ठीक है, अगर सरकार इस तरह से लाया है इसे किया है कोई बात नहीं। इसमें सर एक अमेंडमेंट जो सरकार ने तीन किया है नया प्रस्ताव में, उसमें एक अमेंडमेंट किया है कि पीड़िता या उनके नजदीकी रिश्तेदार ही FIR दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ने तो किया है, तो उसका बस एक्सक्यूज ना हो जी, हर चीज का लोग तस्वीर करने लगते हैं जी, तो उसको दबाव बनाने के लिए भी कोई कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़कियों का इस महिलाओं का पक्ष हमेशा सही और मर्द गलत हो, उसका किसी का आपको दबाव का डाल सके पता ये धमकी रहे कि भाई हम FIR कर देंगे या कोई भी सकता है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वही उसी का डर रहता है। और सर इसमें एक और अमेंडमेंट कर दिया कि मजिस्ट्रेट पहले नॉन वेबल था, मजिस्ट्रेट वेरेबल कर दिया है कि दोनों पक्ष को सुनने के बाद से बिल मिल दिया है। वो बेहतर है क्योंकि भाई कोई भी ब्लैकमेल भी कर सकता है कोई इस तरह से, इस तरह से उन्होंने कह दिया है नॉन वेरेबल की मजिस्ट्रेट सुने का, तो उससे यह है कि कार्रवाई जो है वो जो सही चीज है वो हो जाएगी, सही चीज है वो सामने आ जाएगी। उसमें सर एक और प्रोविजन किया कि बेल दे सकता है, पहले नॉन अवेलेबल बेल दे सकता है। जी 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 ठीक है, दोनों पार्टीज को मतलब पूरी सुविधा होनी चाहिए, मतलब गाड़ी और लोग जो है यूज कर सकती है, तो उससे कम से कम ये चीज खत्म हो जाएगी। सर एक और बात किया इन्होंने सरकार ने कि उस अमेंडमेंट में कि समझौता भी हो सकता है, बहुत अच्छी चीज है, हम उसको वेलकम करते हैं। ठीक, धन्यवाद।